अगर आप पहले ही जिस तरह से वहां पर ग्लोबल टेररिस्ट पकड़ा गया, अमेरिका ने जिस तरह से ड्रोन अटैक के जरिए उसको एबटाबाद में मारा, उसामा बिन लादेन, अब ये मौलाना मसूद अजहर को लेकर फ्रांस प्रस्ताव लाए यूएन में कि इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कीजिए, आप उसको छुपाए बैठे हैं दामन में, अमेरिका साथ दे, यूरोप के अन्य देश साथ दे, रूस साथ दे, चेहरा कैसे बचाइएगा साहब? देखिए, बात यह है कि जितनी अभी डिस्कशन हुई है वो ज्यादातर उन इंफॉर्मेशन पे बात कर रहे थे आप जो मीडिया से आपको मिल रही है, अदरवाइज जो आपकी इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रही है वो आपके पास ना इंफॉर्मेशन है, ना आप उससे बात कर रहे हैं, ना आप उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है कि इंटरनेशनली तौर पर हमें क्या रुतबा मिलना है और क्या काम मिलना है और कैसे देख रहे हैं, ये देखें बहुत से इश्यूज ऐसे हैं जिस वक्त जिसमें पाकिस्तान की को जो सफ़र किया टेररिज्म में वो पाकिस्तान के लोगों ने, आवाम ने और हुकूमतों ने ज़्यादा सफ़र किया है। हमारी लीडर मोहतरमा बेगम भुट्टो शहीद हुई इसी टेररिज्म की वजह से, तो इसलिए हम तो समझते हैं कि टेररिज्म के लिए, इसलिए हमें उम्मीद था सर कि शायद आपको ये भाषा समझ में आए जिस भाषा में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इस भाषा में सच्चाई है, इसके तह तक जाने की कोशिश तो कीजिए सर। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लोगों के उकसाने की, ये पाकिस्तान की सरजमी पर कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आतंक फैला रहे हैं, जो जिहाद की बात करते हैं, जो कत्ल की बात करते हैं, आप तो बोलिए कम से कम इनके खिलाफ। मेरी बात सुन लीजिए, हमने हमेशा इनको कंडेम किया है, हमने हमेशा कंडेम से कुछ नहीं होता, पाकिस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इतिहास जाएगा एक ऐसी पार्टी के रूप में जो चुप रही, जिसने अपने सर्वोच्च नेता को खोया। पार्टी हमेशा इस चीज की, बेनजीर भुट्टो को आपने खोया इसी आतंकवाद को, लेकिन फिर भी आप मुंह नहीं खोल रहे, न जाने आर्मी से कौन सा खौफ है आप लोगों में। देखिए इन चेहरों को सर, देखिए पता नहीं टीवी है कि नहीं आपके सामने, आप लोग आज तक तो देखते हैं हमें पता चला है, लेकिन देखिए ना सर इन चेहरों, इनकी आवाजें सुनिए, जहर घोल रहे हैं सर, जहर घोल रहे हैं। लेकिन आप मेरी बात सुनिए ना, पहले मेरी बात सुनेंगे तो फिर बात, इसका मतलब है मेरी बात सुनना नहीं चाहते आप, मेरी बात तो सुनिए है ना, आपने क्वेश्चन करके तो आपने कट कर दिया, ऐसे देखा कि मैं बोले आर्गुमेंट्स करने लगा तो आपसे कट जाएंगे। बात सीधी है, जो बातें आप कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें भी सब वही बात कर रही है, क्योंकि सफरर हम दोनों हैं। लेकिन जब आप उसको स्टेट टेररिज्म की तरफ ले जाएंगे और रियासत की तरफ शोर करेंगे, वो एक गलत तरीका कार है। आप उनको डिफेंड ना करें, हम आप पर उंगली नहीं उठाएंगे, हम रियासत को लंच करते हैं। जब आप रियासत को लंच करते हैं किसी एक के एक्शन में, तो आप हम समझते हैं कि ये गलत तरीका है। आप उनको डिफेंड ना करें, हम आप पर उंगली नहीं उठाएंगे, आप उनको डिफेंड करने पहुंच जाते हैं, ये परेशानी है। मैंने क्या डिफेंड किया आपके पास, मैंने कहा कि उन्होंने कहा उनके खिलाफ एविडेंस हमें दे, हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर उनको उनको पेश करें। जब कोर्ट में जाते हैं तो हम हमारे पास एविडेंस नहीं होती, तो इसलिए वो छूट जाते हैं, और क्या वजह है इसकी? सुधांशु जी, इसका क्या जवाब होगा? हर एक्शन को कंडेम किया है, कब नहीं किया हमने? ऑन स्टेटमेंट क्या हम कंडेम किया, हमने ये भी कहा स्टेट छोड़िए, कंडेम का क्या करना है, कंडेम तो ऐसी बेकार चुकी स्थिति हो चुकी है पूरे विश्व में कि हमने कंडेम कर दिया। कल कह रही थी आपकी फॉरेन मिनिस्टर, कल कह रही थी कि इमरान खान ने कंडेम नहीं किया, तो ये तो गलत तरीका, जब आप कंडेमनेशन मांगते हैं तो कहते हैं इसकी वैल्यू कोई नहीं है, ये चीज आती है दोहरा बयान तो रखे ना। अभी इमरान खान ने भी तो नहीं दिया ना, इमरान खान ने तो दुख नहीं जाहिर किया ना। नावीद चौधरी साहब, नावीद चौधरी साहब, आपने कंडेम किया तो हम ये तब मानते अगर आप मसूद अजहर से केवल एक बार बुला के इंक्वायरी तक कर लेते कि तुमने ये बयान दिया है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन ने ये बयान दिया है तो ये क्यों दिया है, और इसका इतना तक तो किया नहीं आपने, हम कैसे मान लें कंडेमनेशन? अरे कंडेमनेशन तो आप 9/11 के बाद लगातार करते रहे और एक के बाद एक टेररिस्ट आपके यहाँ मिलते रहे। अभी जनरल बख्शी ने जो बात कही मैं उसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। देखिए अगर आप बिल्कुल देखिए अगर ईमानदारी से देखिए, आपके एक तरफ हिंदुस्तान को आपसे परेशान, एक तरफ पाकिस्तान को आपसे परेशान, थोड़ा हिस्सा लगता ईरान से वो आपसे परेशान। अरे वो तो छोड़िए, ये तो जनरल बख्शी ने कहा, वो तो छोड़िए, आपके अंदर बलूचिस्तान आपसे परेशान, खैबर पख्तूनवा आपसे परेशान, फाटा आपसे परेशान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग आपसे परेशान, और मशरकी पाकिस्तान तो कब का छोड़ के चला गया आपको, जो आपने जुल्म उनके ऊपर ढाए थे। ये क्यों हो रहा है भाई? अगर आप केवल पाकिस्तान के पंजाब को छोड़ दें
तो सिंध में भी मामला बहुत अच्छा नहीं है। एक प्रोविंस, एक इलाका आपका ऐसा नहीं है जहां के लोग आपसे परेशान ना हो। और अपने चारों तरफ सरहदी इलाका देख लें तो चीन का मैंने एग्जांपल दे दिया, वो आपके नागरिकों को अपने यहां रुकने नहीं देना चाहता। अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान का एग्जांपल आपके सामने। इस हकीकत के बाद अगर आप कहें कि मुझे सबूत चाहिए, आप इस हकीकत के बाद कहें कि हम इसे मानने को तैयार नहीं है, तो अब इसे क्या कहा जाए? कोई आंख में पट्टी लगा के रहता हो? और इमरान खान ये कहेंगे अब हमें सबूत चाहिए। कमल चीमा साहब क्या कह रहे हैं, मुझे इससे गर्ज नहीं, मुझे इससे गर्ज है कि आप इंफ्रांती खेल को रियासत का एहसान आवत बनाए। ईरान ने कोई नहीं कहा कि रियासत में इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान ने नहीं कहा कि। और तो और सुनिए, जनरल मुशर्रफ ने दुबई में दिए अपने इंटरव्यू में इनडायरेक्टली ये बात मानी थी ना कि उनका इन्वॉल्वमेंट कश्मीर में, आपका फॉर्मर प्रेसिडेंट वो मान रहा है। देखिए बात आपने जब उसके बाद जब ये कहा वाले शूज पे आए, दूसरे पे आए, उन चीजों में आप जाएंगे तो फिर बहुत सी चीजों में आप, आपके मोदी साहब ने कहा कि हम, हमें फखर है कि हमने बांग्लादेश बनाया, वो क्या चीज थी? वो टेररिज्म नहीं था फिर? जब आप बांग्लादेश बनाने के लिए आपने मुक्ति बांधी और दूसरों को सपोर्ट किया, वो क्या था फिर? इस तरह की बातें करेंगे तो फिर बहुत सी बाजी में चीजें नहीं देगी। आपके क्या बात कर रहे हैं आप? ये जनरल टिक्का खान ने बांग्लादेशियों के ऊपर जो जुल्म ढाए थे, जनाब ये बताइए वो एक्ट ऑफ टेररिज्म था कि उनको मुक्ति दिलाना एक्ट ऑफ टेररिज्म था? और कश्मीर में आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ये बांग्लादेश में आप जिनको मरवा रहे थे पाकिस्तान की आर्मी, वो मुसलमान नहीं है क्या? जो बलूचिस्तान में जिनको मरवा रहे हैं वो मुसलमान नहीं है क्या? बताइए, ये फाटा और स्वात वैली में जिन लोगों को मरवा रहे हैं वो मुसलमान नहीं है क्या? एक्ट ऑफ टेररिज्म था बांग्लादेश में जो जनरल टिक्का खान ने किया था। पवन खेड़ा जी कुछ बोल रहे हैं। उसके बाद 1973 में बलूचिस्तान में जनरल टिक्का खान ने जो किया। खेड़ा साहब अंजना जी, नावी चौधरी जी पीपीपी के हैं, मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कितना स्पष्ट फर्क है। हमारे यहां विपक्ष में हम होते हैं, कभी सुधांशु जी होते हैं, जहां सरकार गलत जा रही होती है हम हिम्मत दिखाते हैं सरकार के खिलाफ बोलने की। आप वो हिम्मत दिखाइए, देखिए सर आंखों पर बैठा देगा पाकिस्तान आपको। कम से कम यहां साथ मत दीजिए पाकिस्तान का, की सरकार का, क्योंकि जी डी बख्शी साहब ने सही कहा, हमें दया आती, रहम आता है पाकिस्तान के आम नागरिक पर कि उसकी द्वारा चुनी हुई सरकार की गलतियों से या जानबूझकर वो मिलकर आईएसआई से और आर्मी से जो कर रहे हैं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। देखिए जंग में कत्ल सिपाही होंगे और सुरखुरु जिले सिपाही होंगे, ये मत होने दीजिए। जो आम आदमी है वही सफर करता है जंग में, आपके जो हुक्मरान हैं वो तो हुक्मरान बने रहेंगे। आज मौका है विपक्षी दल के पास पाकिस्तान के कि खुलकर सामने आए, खुलकर प्रश्न पूछे, खुलकर बात करें। आप भी शायद हिंदुस्तान के बराबर आ पाएंगे अगर इस तरह की विपक्ष होने लग जाए वहां, जैसे हम करते हैं, सुधांशु जी करते हैं जब वो विपक्ष में होते हैं। कुछ सीखिए, हिंदुस्तान से सीखेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपकी हुकूमत को इन्वॉल्व नहीं करता, आप मेरी मेरी हुकूमतों को इन्वॉल्व करते हैं, रियासत को इन्वॉल्व मत करें। ये एक इंफ्रादी रोल है और इंफ्रादी बात करें। ये अगर हुकूमत स्टेट टेररिज्म होता तो मैं उसको जरूर कंडेम करता, ये स्टेट टेररिज्म नहीं है। आपका और मेरा यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। आप वहां स्टेट टेररिज्म को कुलभूषण वाली बात पे आपने क्या, अगर ये स्टेट टेररिज्म नहीं है नवीद चौधरी साहब तो मसूद अजहर को आप हवाले कर दीजिए हिंदुस्तान के, लखमी को आप हवाले कर दीजिए हिंदुस्तान के, तब हम मानेंगे कि स्टेट टेररिज्म नहीं है और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं है।